अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एलएचबी में एडमिशन लेना था, सुन से एलएचबी के पोर्टल के हवाले से एक गुड न्यूज आई है। इसके अलावा एक और खुशखबरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एलएचबी में एडमिशन लेना, लेडी हेल्थ विजिटर के डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना, जिसमें आपको मंथली 12,000 स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें आपको मंथली 12,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ये आपकी स्कॉलरशिप 17,000 तक उम्मीद है कर दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स भी एलएचबी में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वैसे तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में मैट्रिक बेस पे ही एडमिशन है, लेकिन लेकिन जिन्होंने एफएससी की है उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। जिन्होंने मैट्रिक की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो पोर्टल के हवाले से जो स्टूडेंट्स बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसका पोर्टल ओपन कर दिया गया है। अब अप्लाई का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट जो गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे अप्लाई करते वक्त, वो यही करेंगे कि वो प्रेफरेंस गलत सेट करेंगे। स्टूडेंट्स आपने प्रेफरेंस गलत सेट नहीं करनी। सबसे पहले आपने जिसको आप प्रेफर करेंगे उसी में आपका पहला नाम आएगा, अगर आपका मेरिट बनता हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर पर किसी और कॉलेज में आएगा। तो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपने सबसे पहले नंबर पर ही चूज करना है। अगर आपको अप्लाई प्रोसेस अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता, तो आप किसी प्रोफेशनल बंदे से अप्लाई करवा लें, अपने किसी भी प्रोफेशनल जो कि ये अप्लाई डेली बेसिस पे करता है उससे आप अप्लाई करवाएं। अदरवाइज आप हमारी सर्विसेज भी इसके लिए अवेल कर सकते हैं, जिसके हम जो है स्पेसिफिक आपसे चार्जेस लेंगे, लेकिन हम आपको अप्लाई करके देंगे और इंशाल्लाह जो हमारा अप्लाई होगा उसमें कोई भी आपको मिस्टेक का चांस नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं एलएचबी में गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टूडेंट्स आपका अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है, पोर्टल ओपन हो चुका है। एक तो गुड न्यूज ये थी जो आपसे शेयर करनी थी। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने प्रेफरेंस जो है वो ख्याल से सेट करनी है, केयरफुली सेट करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा ये जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो है शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी जो इसमें एडमिशन की डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आपकी एडमिशन की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। पहले तो अप्लाई नहीं हो रहा था, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था। स्टूडेंट्स अब आपका अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप अप्लाई कर लें। सेकंड नंबर पर आप इसमें अप्लाई की पहले लास्ट डेट 6 नवंबर थी, आप इसमें अप्लाई की लास्ट डेट 10 नवंबर 2023 है। तो आप 10 नवंबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप हमारी सर्विसेज भी इसके लिए अवेल कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, तो उधर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करके व्हाट्सएप पे हमसे भी अपना अप्लाई वगैरह का प्रोसेस जो है वो सारा करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा नर्सिंग के भी गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन ओपन हो चुकी है, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के आप शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एक कॉलेज लाहौर में, जो कि मैं आपसे डिटेल इंशाल्लाह बहुत जल्दी टाइम निकाल के वीडियो शेयर करूंगा। उसके लिए भी अप्लाई के लिए आपके पास 3-4 दिन का टाइम अभी मौजूद है, उसके हवाले से भी मैं डिटेल आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी स्टूडेंट्स आप एलएचबी के लिए अप्लाई कर दें, पोर्टल ओपन कर दिया गया, इसके हवाले से इस वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी। इसी तरह की मजीद जॉब्स की और स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।